नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि इमेज सेव PDF फाइल कैसे जनरेट करें, तो आइए सीख लेते हैं हम इस वीडियो में कि कोई भी इमेज फाइल है JPG में हो या PNG में, उससे हम PDF में फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा अपना प्ले स्टोर ओपन। तो हमने जैसे प्ले स्टोर ओपन किया, अब आपको यहाँ पर लिखना होगा img2pdf, इतना लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही एप्लीकेशन आ जाएगा। ये 8.5 MB का ये एप्लीकेशन है और जैसा आप देख पा रहे होंगे 1 करोड़ प्लस डाउनलोड हो चुका है और 4.3 की रेटिंग है। तो इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल एप्लीकेशन को। डाटा क्लोज था, मैं ऑन कर लेता हूँ। ये हो रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड। ये देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, बहुत ही छोटी सी फाइल है। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको करना है ओपन। हमारे पास कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फ़ोटो होती है, इमेजेस होती हैं, उन्हें मुझे एक साथ PDF में कन्वर्ट करना होता है, किसी को शेयर करना होता है ताकि वो प्रिंट निकाल सके। या आपके पास कोई बुक है जिसका हमने कई सारे फ़ोटो तो क्लिक कर लिए बट सिक्वेंस से हमें PDF बनाना है ताकि हम किसी को ये भेज सकें और उसका हम प्रिंट निकाल दें, क्योंकि हम JPG में जब प्रिंट निकालते हैं तो वो क्लियर नहीं होता और पिक्सल फट जाते हैं। बट उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से और इसकी साइज को भी कंप्रेस कर सकते हैं और PDF में कन्वर्ट करके हम किसी को सेंड भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं एक ही फाइल में कई सारी फ़ोटो को। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, नो इमेज सेलेक्टेड, अभी इमेज कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें ये प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। अब प्लस के निशान पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा सेलेक्ट बाय पिक्चर। आप पिक्चर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा फोल्डर वाइज करेंगे तो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए आपसे परमिशन मांग रहा है, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। आपने अलाउ कर दिया, अब ये फोल्डर आ गया कि आपको किस फोल्डर से आपको करना है। जैसे आपने स्क्रीनशॉट फोल्डर है या कोई कैमरा फोल्डर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। दूसरा अगर से आप चाहें तो सिलेक्टेड बाय पिक्चर, इसमें क्या होगा आपकी सारी गैलरी ओपन हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है जिसमें मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखा है, उसका मुझे PDF में कन्वर्ट करना है कि एक फाइल में ही कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हमें सीक्वेंस वाइज क्लिक करना होगा। जैसे हमने कर लिया page number 1, page number 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया। अब हमें मान लीजिए हमारे पास 6 इमेजेस हैं, मुझे इसी को कन्वर्ट करना है PDF में, तो हमने सभी पे टिक कर लिया एक सीक्वेंस वाइज से। अब इससे हमें डन पे क्लिक करना होगा ऊपर। अब हमने डन पे कर दिया, अब ये नीचे आ रहा है। इस एरो से हम अगर से करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि ये देखिए page number 1 है, 2 है, 3 है, इसका सीक्वेंस अगर से हमें सही लगता है तो हम ओके पे निशान कर देंगे। और मान लीजिए हमें कोई और भी ऐड करना है इसमें और भी फ़ोटो, तो हमें प्लस पे करेंगे, फिर से हम फोल्डर वाइज या पिक्चर वाइज और भी कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा हमने एक और पिक्चर कर लिया, अब हमारे पास टोटल 7 इमेजेस हो गई। अब ये नीचे आ रहा है कन्वर्ट टू PDF, कन्वर्ट टू PDF पे हम करेंगे। तो अब इसमें हम चाहें तो ये इंसर्ट वाइट मार्जिंग कह रहा है, ये साइड में हम मार्जिंग दे भी सकते हैं, अदरवाइज पूरे पेज पर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम बंद कर देते हैं, वाइट मार्जिंग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटेक्ट विथ पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर से आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो ये आपसे पासवर्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब पासवर्ड मान लीजिए आपको कुछ रखना है कि उस फाइल का पासवर्ड कुछ रखना है, तो 1, 2, 3, 4 या जो भी आपको रखना है वो करेंगे, तो जिसको भी भेजेंगे उसको पासवर्ड जब तक आप नहीं बताएंगे उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो हम अभी पासवर्ड बंद कर देते हैं और यहाँ पर इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये आप फ़ोटो की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम उसी पे कर देते हैं। और ये PDF का आप नाम भी दे सकते हैं, रीनेम, जैसे कि कोई बुक है उसका नाम हम दे सकते हैं
जैसे साइंस का बुक है तो हम उसका भी साइंस बुक पीडीएफ हम कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए। अब हमें करना है कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 7 इमेजेस थे वो कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास एप्लीकेशन की मदद से आपने कन्वर्ट तो कर लिया, अब इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी करके देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम ओपन पे कर लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं कि ये जो पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। ये देख लीजिए इस तरह से आपके आएगा, एक ही फाइल में ये सारे इमेजेस कन्वर्ट हो गए। अब आप इसको चाहें तो किसी को यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, अपने जीमेल से, किसी भी माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। हम कैंसिल अभी कर देते हैं। और दूसरा यहाँ भी शेयर का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी भेज सकते हैं। दूसरा इसको आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप चाहें तो इसको कहीं सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी। तो और यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक फाइल में बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।